ख्याल से ये जो उन्होंने रोड बंद कर दिया ये गवर्नमेंट ने सही नहीं किया है, क्योंकि अगर बच्चों के लिए इनको बनाना ही है, क्योंकि बगल में ऑलरेडी एक पार्क है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बच्चे खेलेंगे, गाड़ियाँ अगल बगल में गाड़ियाँ चल रही है, तो कोई किसी बच्चे की जान भी जा सकती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं तिपले होते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, कोई किसी की जान भी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, क्योंकि ट्रैफिक कंजेक्शन इतनी ज़्यादा है, खासकर श्रीनगर स्मार्ट सिटी जो है, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक की भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती है, दिन ब दिन ज़्यादा गाड़ियों की तादाद ज़्यादा ही होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो दिन ब दिन ये जो सड़कों को तंग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया मेरे ख्याल से। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, मतलब यहाँ पे जो सड़कों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जो ये पार्क वार्क है, ये तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं बाद में, जहाँ पर भी ज़मीन होगा अवेलेबिलिटी। लेकिन जो सड़क का जो ज़मीन होता है, उसको मतलब सड़क पर ही छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इनको ये जो है हटाना चाहिए था, तो यहाँ पर जो सड़क जो पहले थी वो सड़क के रहनी चाहिए थी। आपने इस पेंटिंग के हवाले से बात की जो अभी रिगल चौक में कुछ दिन कल बनाई गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस शहर को पेंट किया गया है स्मार्ट सिटी के अंडर। देखिए, सिटी को स्मार्ट बनाना ये लोगों की भी शान है, सरकार की भी शान है। कौन ऐसा शहरी नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे शहर को स्मार्ट बनाया जाए। लेकिन शहर को स्मार्ट तब बनाना है जब शहर के रहने वाले वालों के पास आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ होगी। आप यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर है, अगर शहर को स्मार्ट बनाने से बेहतर अगर आप उन गली कोचों पर अपना फोकस करते जिन सड़कों की हालत अभी खस्ता है। आप अगर उन लोगों की आवाज़ सुनते जो लोग आए दिन पानी की मांग करते हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है।